हिमाचल के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा बाजार में हार्डवेयर की दुकान में आग लगने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने एक युवक अभिषेक उर्फ मिट्ठू पुत्र राम सिंह निवासी कालीजन सुनेहड़ नगरोटा बगवा को गिरफ्तार किया है। युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। युवक कालीचंद गांव का रहने वाला है। वो इसी हार्डवेयर की दुकान में काम करता था। युवक को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि नगरोटा बगवा बाजार में दर्शन लाल पुत्र स्वर्गीय फतेहचंद निवासी वार्ड नंबर 5 नगर परिषद नगरोटा बगवा जिला कांगड़ा की अनुपम हार्डवेयर दुकान में 7 और 8 अक्टूबर की रात को आग लग गई थी। इसमें आधी दुकान जलकर राख हो गई थी। इसके बाद 12 और 13 नवंबर की रात को भी इसी दुकान में आग लग गई और दुकान पूरी तरह से जल गई। दुकान में आग लगने के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मामले में एसआईटी गठन करने के आदेश दिए थे। एएसपी पुनीत रघु की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। इसमें एसएचओ अशोक राणा भी शामिल थे, साथ ही साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। एसआईटी जांच में उक्त युवक की लोकेशन उस वक्त दुकान के आसपास ही रही, साथ ही सीसीटीवी में कैद संदिग्ध का हुलिया भी युवक से मिलता पाया गया। पुलिस ने युवक को आज पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवा बुलाया और उससे पूछताछ की। युवक ने दो बार दुकान में आग लगाने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसने अपने एज पर हिज इंटरोगेशन पिछली तरफ से जो एक वहाँ ग्राउंड है उस ग्राउंड की तरफ से एंटर करके नीचे वाली फ्लोर में ही ये वहाँ एक शटर है, शटर में ताला नहीं लगा था क्योंकि इनसाइडर था, इसको पता ताला नहीं लगा है, तो वहाँ से अंदर घुस करके फिर अंदर वाले शटर को इसने लीवर से थोड़ा सा उखाड़ करके उसके बाद वहाँ पर जो तार पिन का तेल क्योंकि जलने का ज्वलनशील पदार्थ तो अंदर होता है पेंट वगैरह की दुकान में उसी का उसने उडेल करके जो पीछे जहाँ पे इनकी प्लाई बुट वगैरह रखी थी उस वाले गोदाम में जो है आग लगाई थी और अपने आप भाग गया था। और इस बार की जो घटना में भी ये छत से नीचे को उतरा है, ऊपर का ताला काट करके नीचे उतर करके इसने वही अंजाम दिया और दोनों ही फ्लोर में आग लगा के उस छत से वापस जो है वो भाग गया है। और भागते हुए सामने हमारे एक होटल की जो गली में एक होटल में होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी इसका फुटेज इसका जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं, झगड़ा कोई नहीं, कोई इसको कोई समस्या नहीं, तनख्वाह इसको टाइम से मिलती थी। इसको ये कहता कि मेरे को बस ऐसे ही काम कराते थे, बहुत मैं काम खड़े खड़े रहता था, बस ऐसे मेरा मन किया आग लगाने का। आरोपी को कब कोर्ट में पेश किया? आरोपियों को अगले कल इनके दिनांक 29 तारीख को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगामी रिमांड लिया जाएगा, उसके पश्चात आगामी पूछताछ और आगे की जाएगी और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है।